So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So yo, we have here Shekhar bhai, hello guys, Aryan and Mukul. और देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो एक ट्रायल है KTM RC का, आपने सुना होगा शायद, मे भी ना सुना हो. तो हम बताते हैं कि इसमें एक थोड़ा सिलेक्शन राउंड है KTM की ओर से. तो उसमें राइडर्स इनवाइट किया था उन्होंने, अपनी वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर कर सकता था कोई भी. तो उसके लिए जा रहे हैं आज, और अभी हम निकल चुके हैं घर से अपने, और यहीं से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ. ये अभी चंडीगढ़ पहुँचने वाले हैं, हाईवे के ऊपर है. तो हमारे चारों लड़के बिल्कुल, मतलब तीनों लड़के मुझे मिला के चार, बिल्कुल रेडी हैं और आग लगाने के लिए तैयार. काफ़ी हमको वहाँ पे कंपटीशन मिलने वाला है इस बार, क्योंकि हम थोड़ा अपर लेवल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं इस बार. तो आप शेखर भाई से पूछते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं, पहली बार इस तरह के कोई कंपटीशन टाइप में जा रहे हैं. तो अच्छा, पीछे वाले लड़के पहले ही नर्वस हो गए. इनको भी, इनसे भी बात करवाएंगे अभी आपकी. बहुत प्राउड फील कर रहे हैं. बहुत बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ ब्रो, और मैं चाहता हूँ कि हम अच्छे से परफॉर्म करें वहाँ पे और सब बढ़िया से हो जाए. इतने सीरियस हो गए क्यों बोल रहे हो यार? थोड़ा बस ऑस्ट्रिया की तैयारी है भाई, ऑस्ट्रिया जाना है ऑस्ट्रिया. बाकी क्या है, प्लान वही है अब सीधा. बैक पैक कर लिए, देख लो पूरी डिक्की भर दी है, वहीं से निकलेंगे शायद हम ऑस्ट्रिया. हेलमेट, ये सबसे ज्यादा शौकीन है. आपको मैं बताता हूँ गाइस, ये सबसे ज्यादा इसको रेस करने का शौक है. तो कोई संपर्क कर सकते हैं इससे भी रेस वगैरह लगाने के लिए. तो ये सब हमेशा ऑलवेज रेडी, ऑलवेज ऑन, टर्न ऑन रहता है रेस के लिए. प्राउड फील कर रहा है रॉसी, वैलेंटिनो रॉसी. हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस वक्त. प्राउड बस, बाकी बस तूफानी दिखा देंगे, तूफानी. तो गाइस अभी देख सकते हैं आप सबके एक्सप्रेशन. इसके बापू के वर्ड्स बोल दिए, इसके पापा ने बोले इसको, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं तूने आने वाले जीत के ना. ठीक है तो गाइस अब पहुंच, हम चंडीगढ़ वाला कट ले रहे हैं. अभी थोड़ा हमको काम था यहां पे मार्केट में, हमको थोड़ी सा सामान वगैरह भी लेना था, तो ग्लव्स वगैरह की शॉपिंग करनी थी. तो आपको हो सकेगा तो वहां पे भी मैं दिखाऊंगा आपको, काफी अच्छी शॉप है वहां पे, आप राइडिंग गियर्स के लिए जा सकते हो चंडीगढ़ के अंदर. तो उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे, हमें अभी कोई जल्दी नहीं है. 29 का हमने रजिस्टर किया है, तो हम अभी 27 है आज, तो हम 27 को जा रहे हैं फुल फन एडवांस में. और कल थोड़ा देख भी लेंगे कि किस तरीके का क्या सीन है वहाँ पे, तो जो थोड़े अपने डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे. तो बाकी परसों को आप 29 को मिलेंगे, बीच में कोई ब्लॉग नहीं होगा इसमें शूट. तो डायरेक्ट आपको अब मिलने वाले हम KTM RC कप के लिए गुड़गांव में. सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और हो गया नेक्स्ट डे स्टार्ट. ज्वाइंट मारने के बाद नहीं करना पड़ता है स्टार्ट. अब हम जा रहे हैं वापस, तो अब वापस नहीं जाएंगे अभी, तो हम जाएंगे दिल्ली की साइड, थोड़े राइडिंग गेयर्स का कोई स्टोर विजिट करते हैं और देखते हैं कुछ अपने लिए, क्योंकि हमारा तो कल ही है जो भी है. तो एक बार शाम को चले जाएंगे ट्रैक के पास भी, देख लेंगे कि क्या क्या सीन है वहाँ पे. तो मिलते हैं आपसे कहीं और इसके बाद, जो भी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी. और ये देखें यहाँ पे ब्रैड पिट, ओह, और यहाँ पे मर्द से लड़के बनते हुए. गाइस रोल्स रॉयस सामने, अपना ही बंदा बैठा है इसमें भी, 2500 महाराष्ट्र मुंबई से. सल्लू भाई की गाड़ी है गाइस, भाई की गाड़ी है और भाई चला रहे हैं गाइस. तो अभी आप देखिए आगे डिवाइडर पे क्या होने वाला है. फुटपाथ उड़ने वाले हैं आज. और गाइस आज है 28, तो हम अभी आए पहुंच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे RC कप ऑर्गेनाइज होने वाला है. तो हमने कल 29 के लिए रजिस्टर किया सीधा थोड़ा, तो देखते हैं कि कैसा है ट्रैक. हम थोड़ा ट्रैक को समझने के लिए एक दिन पहले आए हैं, और देख सकते हैं अभी आ रहा है एक ग्रुप. ये देखिए अभी ट्रायल शायद चली हुई है, फाइनल रेस तो ये नहीं है. तो हमें अभी काफ़ी अपने साइड के लोकल राइडर्स भी दिखे हैं, तो उनसे भी मिले थे अभी हम. तो देखते हैं अभी वो बिज़ी हैं थोड़े, उसके बाद बात करते हैं उनसे कि क्या रहा होगा सीन, क्योंकि अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है लैब सिस्टम है या क्या सिस्टम है. तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ ट्रैक है, और काफ़ी लंबा है और कर्व्स भी काफ़ी ज़्यादा. वैसे इस पे एंगल तो सही से नहीं बनेगा. सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, एंड द टाइम हैज कम फाइनली और निकल रहे हैं. सुबह के हो रहे हैं अभी 7:30 बजे, और 7:30 की हमारी टाइमिंग है. तो निकल रहे हैं आप होटल से, और पास में ही अभी यहाँ से 15-20 मिनट लगेंगे मिलते हैं आपसे आगे जाके.
यहाँ पे भी हमने स्टे किया था रात को। तो आप देख सकते हैं ये हवाई हाईवे हमारा मेन, और यहाँ पे थोड़ा 2-4 किलोमीटर आगे जाके ये इवेंट वाली जो डेस्टिनेशन है यहीं आगे जाके, तो अब निकलते हैं यहाँ से। वहाँ हमने गाड़ी लगाई है अपनी सामने। सो गाइस फाइनली उस जगह पे पहुँच चुके हैं हम जहाँ पे हमारा अभी होने वाला है इवेंट, और अभी ज़्यादा कोई लोग आए तो है नहीं, टाइम तो इन्होंने काफ़ी जल्दी का रखा हुआ था। सो गाइस ये है लोकेशन हमारी, ये देख सकते हैं आप, और ये हमारी गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे, और ये यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह हमारी होगी, प्रोसेस थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन होने वाली है, और उसके बाद ट्रैक पे देखते हैं जो भी शूट कर पाएंगे आपको दिखाएंगे। वैसे ज़्यादा हम सभी बिजी होंगे तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाएंगे आज, लेकिन जो भी हम कर पाएंगे तो वो आज आपको दिखाने वाले हैं वीडियो में। तो लेट्स सी, वीडियो में बने रहें आप। जी नहीं सर, आपको गियर्स दीजिए। अमित ठाकुर डन कर दे भाई, आप ही बोतल लाने के लिए बोला तूने, सबको बोलना मालूम है ना। अरे पीछे रखे ना पानी की, सब बॉम्बे निकल जाएंगे पानी की। सर ये मर्चेंडाइज ले इधर, चले डन। तो गाइस ये हो गया हमारा अभी पास, ब्रेकफास्ट एंड सभी मिल चुका है, और ये आप कल के यहाँ पे टॉपर्स की लिस्ट देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले सिरमौर पे, सबसे पहले सिरमौर नंबर वन पे दिखेगा आपको, तन में @ एडलिन जंकीज जो अभी दिख रहा है वो है 40 कार्तिकी पंडित, दोनों है इसमें। तो अब आगे थोड़ा गियर्स पहनते हैं, उसके बाद आपको वीडियो में दिखाते हैं। राइडिंग गियर सभी मिलने वाले हैं हमको यहीं से, और ये कैसा फील कर रहे हैं आप? आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो फाइनली गियर अप हो गए हैं पूरे, और आज पहली बार इस फील्ड में आने वाले हैं। आर्यन भी देखिए कैसा लग रहा है, और ये देखिए पूरा इंटरव्यू चला हुआ है वैलेंटिनो रॉसी, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। राइडिंग बूट्स के साथ पहली बार एक्सपीरियंस करने वाले हैं तो थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हो जाएगा। और शेखर भाई कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत क्रेजी भाई, आज 40 seconds 39 seconds, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो गाइस आपको मैं रिकॉर्ड दिखा देता हूँ यहाँ के, कल के जो रिजल्ट्स हैं उसके टॉप के रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। सो हियर वी कैन सी, एंड दीस टू गाइस आर फ्रॉम सिरमौर, तन्मय एंड कार्तिकी पंडित, एडलिन जंकीज गाइस। अभी आपको हिमाचल से सिरमौर के ही बंदे दिखेंगे यहाँ पे ज़्यादातर। गाइस ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ट्रैक हमारा यहाँ पे होने वाला है अभी, और ये बाइक्स खड़ी है यहाँ पे। तो काफ़ी मतलब अराउंड 500 मीटर्स या 400 मीटर्स तो होगा है, तो इसके ऊपर ही सिलेक्शन जो भी होगा। ज़्यादा अच्छे लीन तो है नहीं, लेकिन इसमें लैप सिस्टम होगा कि कितने टाइम के अंदर कौन इस लैप को कंप्लीट करता है। तो अभी तक हाईएस्ट रिकॉर्ड 40 point something seconds का है, तो देखते हैं कि हम कितने क्रॉप कर पाते हैं। बाकी हम तो ये मतलब सोच ही नहीं रहे हैं अभी कि जीतना है हमारे लिए, यहाँ पे आना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हार रहे हैं या जीत रहे हैं, या फिर हम सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है, और यही खुशी है कि हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक आए हैं, तो उससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ होने वाली नहीं है। तो बहुत सारे लोग शायद सोच रहे होंगे कि अगर नहीं जीते तो क्या करेंगे, वीडियो तो वीडियो डालेंगे, ये अचीवमेंट है हमारे लिए बहुत बड़ी, तो इसको आज हम करने वाले हैं कंप्लीट। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे कभी इस तरह के कंपटीशन के लिए आऊँगा लाइफ में, कभी मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि वो प्लेटफॉर्म कोई मिलेगा, लेकिन KTM ने प्रोवाइड किया है, तो थैंक्स टू KTM इंडिया। और गाइस ये बहुत ही गंदे वाली फीलिंग आ गई है यहाँ पे, क्योंकि हो गई है बारिश स्टार्ट, और ट्रैक हो गया है बिल्कुल गीला, ये देखिए। तो अब वो कॉन्फिडेंस तो लूज़ हो ही जाएगा। तो शेखर भाई कैसा फील कर रहे हैं आप बारिश होने के बाद? भाई बहुत गुस्सा आ रहा है थोड़ा अभी, बहुत मूड खराब हो गया। भगवान करेगा कि बाइक बंद हो जाए और थोड़ा एकदम से धूप निकल जाए और सब ठीक हो जाए, वरना अभी बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हैं। तो फिर बहुत ही मतलब वो वाली फीलिंग आ रही है कि यार आज ही क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ये करेंगे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस हमारा लूज़ होने वाला है वो तो होने ही वाला है, तो गीले का तो कुछ कर ही नहीं सकते। और बारिश की वजह से इन्होंने टाइम भी जल्दी कर दिया था, हमारी जो मतलब नॉर्मली जो हमारे को टाइम दिया गया था उससे पहले हमको बुलाया था कॉल करके कि 8 बजे पहुंच जाना, 7:30 पे हमको बुला लिया था, वैसे हमारा 10 से 1 वाला था शिफ्ट, तो बारिश की वजह से पहले ही इन्होंने वेदर फोरकास्ट चेक कर लिया था, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। देखते हैं कि क्या अब ये कुछ अपना प्रोसेस चेंज करते हैं कि क्या किस तरीके से अब सिलेक्शन होने वाली है, तो देखते हैं आपको बताएँगे, अपडेट देंगे।
ये यहाँ पे खड़े हैं शेखर भाई, ये आर्यन, और अभी इनको बाइक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये ग्रुप ए वाले हैं, ऑरेंज ग्रुप, और हम हैं ग्रुप बी वाले। और यार इनको मिल गई है बाइक नंबर 16। 46 मिलना चाहिए था इसको तो। और शेखर भाई को अब मिलने वाली है 18 बाइक। शेखर भाई को बाइक नंबर 18 मिली है। और ये है अभी ब्लॉगर। इसके बाद नेक्स्ट हमारी टर्न है, और बारिश में देख सकते हैं आप बिल्कुल रोड गीला है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि कल से कंपेयर नहीं करेंगे रिजल्ट्स को, और आज के रिजल्ट्स, आज के जो हाईएस्ट हो गए उसके 5 में ही गिना जाएगा। तो देखते हैं गीले में वेट ग्रिप के ऊपर कौन बेटर कर पाता है। सो गाइस, द साइको राइडर, इसके बाद नेक्स्ट नंबर 16 बाइक पे, 46 होना चाहिए था वैसे तो ये, और ही इज़ द फास्टेस्ट मुझे लगता है अभी तक होने वाला है जो, क्योंकि इज़ क्रेजी। और देखते हैं अभी कितने में कर पाता है ये क्लॉक। और यहाँ से लैप्स टाइम स्टार्ट होगा, सेकंड टाइम वाला काउंट होगा, जो फर्स्ट होगा वो ट्रायल होगा एक तरह से। और अभी इसको यहाँ से भेजने वाले हैं। साइको राइडर कम ऑन गो। और ये आर्यन गया यहाँ पे गाइस, सबसे यंग बंदा होगा यहाँ पे शायद, और यहाँ पे व्हील स्पिन भी हो गया। लेकिन जो डिपेंड करेगा वो सेकंड लैप करेगा, फर्स्ट ट्रायल होगा, सेकंड यहाँ से मतलब स्टार्ट हो जाएगा इस जगह से और यहीं पे ख़त्म होगा, तो यहाँ पे बहुत फास्ट रहना पड़ेगा उसको भी। लेट्स सी। और इस बार काफ़ी फास्ट है, ब्रेकिंग ज़्यादा लेनी पड़ गई, लेकिन काफ़ी अभी तक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ठीक है ठीक है, फास्ट कर फास्ट कर, और हो सकती है। हाँ ठीक है, फास्ट फास्ट फास्ट, आर्यन आर्यन कम ऑन। ये ठीक था फिर भी नहीं यार, वो शिट, बस यहीं पे गलती होगी, ये राइडिंग शूज की आदत नहीं है ना। और ये आर्यन आ रहा है, और नेक्स्ट है शेखर भाई की टर्न अब, और अब हो गया शेखर भाई का राउंड स्टार्ट। और 59 पे स्टार्ट हुआ है, एक मिनट के बाद स्टार्ट हुआ है बस, ये मान लो। लेट्स सी कितने में होता है। शेखर भाई फास्ट 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 फास्ट, फास्ट। 49 रहा है शेखर भाई का शायद, जो मेरा आइडिया रहा है। और गाइस देख सकते हैं हमें जाते हुए, और आगे देख सकते हैं कौन जा रहा है, वहाँ जा रहा है मुकुल, और अमित ने कर दिया शुरुआत जोरों शोरों से। और देख सकते हैं वो मोड थोड़ा डिफिकल्ट है गाइस, बट मेक श्योर कि आप पहले ही कंट्रोलिंग में आ जाएं। और देखिए वाह, मार नहीं रहा है लौंडा, ओ भाई नाइस यार, अच्छी। और थोड़ा सा टायर स्किट हुआ उसका, ट्रैक्शन लूज किया थोड़ा सा। और ये देखिए मुकुल पहुंच चुका है वापस, और अब टैप लैप टाइमिंग शुरू होगी अमित की। तो ये है स्टार्टिंग, यहाँ से शुरू होगा। और गाइस ये लास्ट लैप ले रहा है रिलैक्सेशन, और काफ़ी अच्छा लैप टाइमिंग रही इसकी भी, और थोड़ा स्किट भी हो चुका था वहाँ,
बट काफ़ी अच्छी कंट्रोलिंग की। सर खड़े और एंजॉय कर रहे हैं रेस को, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे काफ़ी राइडर्स हैं ऐसे से जो हमें काफ़ी कुछ सिखाए हैं अभी, और उसी को अप्लाई कर रहे हैं हम। और ये देख सकते हैं, ओ भाई काफ़ी तेज गया भाई वहाँ पे। काफ़ी ज़ोर से इंपैक्ट हुआ है गाइस, और बहुत भयंकर ज़ोर से बजा भाई जाके वहाँ। लास्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया था भाई ने, जैसे कि हमने पहले ही स्लो कर दिया था यहाँ जैसे पहुँच के, तो वहाँ उन्होंने ज़्यादा ही तेज़ दिया था कि लास्ट में टाइम जल्दी खींच पाए, और इट वॉज़ नॉट गुड। थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ हो गया उस वजह से, ट्रैक्शन बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक। गाइस प्लीज़ थोड़ा सा सेफ करें, एक दो सेकंड के चक्कर में ऐसे काम मत करें प्लीज़। तो पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, टीम केटीएम को और सर को भी। तो ये बहुत ही अच्छा एक चांस था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से कभी ट्रैक पे राइड करूँगा, क्योंकि हम नॉर्मली हमको चांसेस कम मिलते हैं यहाँ पे, नॉर्मल नहीं है हमारी जो स्टेट है हिमाचल, वहाँ पे ट्रैक्स वगैरह नहीं है। तो ये मौका भी हमको मिला है हिमाचल सिरमौर, तो हमको ये चांस मिला है, तो मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले बहुत कम ऐसी कंपनीज है जो चांस दे रही है। तो थैंक यू सभी को, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये। सो गाइज हो गया है कम्प्लीट हमारा सेशन, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। और सबसे बड़ी हमारे लिए जो खुशी की बात है, हाँ हमारे ग्रुप से एक राइडर ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया है चेन्नई के लिए ऑलमोस्ट, क्योंकि उसको सेकंड आया है। तो अब जो सेकंड राउंड जो होने वाला है सेकंड बैच का, तो उसमें तो मुश्किल ही कोई ज़्यादा उस बीट कर पाएगा, क्योंकि सेकंड खतरे में तो लास्ट फोर्थ और फिफ्थ वाले रहते हैं ज़्यादा। तो बहुत अच्छा किया है मुकुल ने, तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम इस जगह तक भी पहुंचे हैं अपने लाइफ में, क्योंकि इससे पहले हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमको ये मौका भी मिलेगा। मैंने वहाँ पे भी बोली ये बात। तो अभी शेखर भाई से पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका। ब्रदर इट वाज रियली ऑसम, और जैसे कि हमको हमेशा से गीले रोड पे राइड करने की कभी मन ही नहीं होता है, तो हम कभी जाते भी नहीं है, बट यहाँ पे गाइज ऑब्स्टेकल ही गीला हो गया कि हमको गीले रोड पे ही परफॉर्म करना था, दैट्स वाई थोड़ा सा स्पीड में थोड़ा सा लैक हुआ। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सभी का, और बहुत अच्छा सीखने को मिला हमको यहाँ, बहुत एक्सपर्ट्स थे यहाँ पे, उनसे भी हमको बातचीत करने का मौका मिला, और सभी ने बहुत नॉलेज दी और बहुत मज़ा आया गाइस। बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं जिसको कि पम्प्ड अप हो जाता है बंदा, वैसे हो चुके हैं यहाँ से, और अब आगे फ्यूचर में भी ऐसा कुछ भी मौका मिलता है तो नहीं छोड़ने वाले हैं। सो गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लिस्ट, और इसमें आपको सभी के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो ये है डे टू की लिस्ट जिस दिन हमने किया था, तो बारिश होने की वजह से हमारे लिए टाइम में थोड़ी कंपोजिशन हो गई थी, तो हमारे लिए हाईएस्ट जो गया था वो 46 था वेट सरफेस की वजह से, तो हमने उसमें दिया है। तो आप वो देख सकते हैं अभी स्क्रीन के ऊपर अपने, कि ये मेरा नाम आ रहा है सामने, शेखर भाई का आ रहा है, और आर्यन का भी मेरे साथ बिल्कुल नीचे। तो ये मेरी टाइमिंग देख सकते हैं आप, 47 की लाइन में मैं सबसे लास्ट था, और ओवरऑल मैं डे, मतलब जो हमारा सेकंड डे था 29, उसमें मैं 11th नंबर पे हूँ टॉप 10 से थोड़ा सा आगे, लेकिन जो हमारे पास थर्ड है उससे वो 47 से ही स्टार्ट होता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डे वन की लिस्ट, तो डे वन की लिस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या रहा है। तो उस दिन बारिश नहीं थी, तो इस वजह से जो टाइमिंग थी वो 40 seconds की रही है। तो इस वजह से गाइज हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इसमें कि हम प्रॉपरली कर नहीं पाए, यही है। बाकी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पहले ये होने वाला था कि जो आज और कल 28 एंड 29 को जो टॉप 10 रहने वाले थे, तो जो मतलब सबसे कम टाइम के अंदर करते, तो उनके लिए था है कि टॉप 10 उसमें से सिलेक्ट होने वाले थे, लेकिन जो बारिश हो गई थी तो इन्होंने थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया, और कल के जो टॉप 5 थे उनको ही सिलेक्ट किया है, और जो आज के टॉप 5 होने वाले थे उन्हीं को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो क्योंकि कल का हाईएस्ट था 40 point something, और आज का हाईएस्ट रहा है अभी तक 46 point something रहा है, तो उसमें सेकंड नंबर पे आया है मुकुल 47 point something पे, तो 47.1 पे। तो अभी ये आप देख सकते हैं अभी भी बारिश हो रही है, तो ये बारिश की वजह से आज का क्राइटेरिया चेंज कर दिया है, तो आज का हाईएस्ट जो गया है वो गया है 46। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, अब देखते हैं आगे जो भी, अभी पावर ड्रिफ्ट के साथ जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी फीलिंग आ रही होगी, और जो मुकुल को गूज़बम्स हो रहे होंगे ना अभी, वो मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि पावर ड्रिफ्ट के साथ वो बैठा है जाके यार, बिल्कुल पावर ड्रिफ्ट के साथ। और अगला मौका अब चेन्नई जाने का मिलने वाला है, क्योंकि अब बारिश तेज होने वाली, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई 47 से ज़्यादा या 46 से ज़्यादा कोई फास्ट कर पाएगा, क्योंकि उस टाइम बारिश थी, रोड गीला था, लेकिन कम थी, अब और ज़्यादा बढ़ गई है। तो देखते हैं अब कि क्या होता है। तो अब आपसे मिलते हैं अभी यहाँ से, जब मुकुल आएगा तो उससे बात करवाता हूँ मैं आपकी, कि कैसा वो फील कर रहा है और क्या वो बोलना चाह रहा है, मतलब
स्पीचलेस है भाई, स्पीचलेस है, मतलब हम वर्ड भी नहीं बोल पा रहे हैं यार। सच में अभी सच में स्पीचलेस है क्योंकि काफी मजा आया यार, काफी पहली बार मतलब ऐसा कुछ चीज फील की है और मजा आया। बाकी गाइस हार जीत का अपने को कोई दुख ये नहीं, हाँ ये लगता है कि यार काश मैं कर लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यार शिट यार या कोई हो गया क्यों नहीं कर पाए। बाकी जो चीज मैं आपको पहले भी वीडियो में मैंने ट्रैक के पास बोली थी ये बात कि मेरे लिए तो यही अचीवमेंट है कि जो ये मेरे हाथ में इस टाइम है, मैंने इसको पार्टिसिपेट किया है, तो मैं इसी को ही अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट मान रहा हूँ। मुझे जीत हार से फर्क ही नहीं पड़ रहा है अभी, जो मन में होगा वो तो अलग बात है। तो ये देखिए आप, ये हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, तो ये ट्रैक पे राइड करने का जो सर्टिफिकेट है यही इनफ है मेरे लिए, तो जो मेरे को खुश कर देगा। सो गाइस फाइनली हमारा रेसर आ गया है वापस और पावर ड्रिफ्ट के साथ इंटरव्यू देखा है अभी, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट इसने ली है भाई, पावर ड्रिफ्ट के साथ बात की है और ये रहा है सेकंड अपने राउंड में और चेन्नई के लिए ऑलमोस्ट कन्फर्म है। तो इसका एक्सपीरियंस पूछते हैं कैसा रहा है इस बार, कभी सोचा था कि ये इस लेवल पर पहुँचेगा? कभी नहीं सोचा था यार, हम मतलब ऑलमोस्ट जो जब आरसी फॉर्म भर रहे थे तो पेमेंट हॉल है उसे बैक लिया था हमने कि करें या नहीं करें, लेकिन हमने डिसाइड किया कि करते हैं, यही मौका है, बार बार चांसेस नहीं मिलते हैं, और किया और फाड़ दिया भाई, मज़ा आ गया, फाड़ दिया और मज़ा आ गया है। 47.1 आया है इसका शायद और सेकंड रहा है, तो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, कभी सोचा नहीं था कि हम या हमारे ग्रुप का कोई बंदा इस लेवल पर पहुँचेगा। तो चेन्नई जा रहा है अब, कब है फ्लाइट फिर? नहीं फ्लाइट तो देखते हैं अभी, और भी बैच हैं अभी दो तीन, उसमें टाइमिंग देखते हैं, अगर हमसे बेटर किसी ने कर लिया तो हम डिस्क्वालीफाई, अगर नहीं कर पाया तो चेन्नई जाएंगे, उनसे बेटर तो नहीं कर पाएगा क्योंकि खतरा जो रहता है वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले को ज़्यादा रहता है, सेकंड वाले को कोई खतरा नहीं है वैसे मुझे लगता है जो, तो लेकिन वही फट गई थी जब वेट कंडीशन देखी तो बिल्कुल फट चुकी कि नहीं कर पाएंगे यार, नहीं कर पाएंगे, लगा तो यही था, मज़ा आ गया। तो ये हमारी बाइक थी RC390 स्पेशल GP एडिशन और ये रहा है इवेंट का प्लेस, तो करते हैं साइन ऑफ। सो गाइस हो गया है यहाँ से हमारा सब खत्म काम और ये हमारे विनर बैठे हैं पीछे, यार चेन्नई जा रहे हैं बहुत जल्दी यार, ऑकवर्ड फील हो गया इसको, लेकिन हम और करवाएंगे, अभी तो बहुत सारे लोगों को जवाब देना है कि क्या करके आए दिल्ली से, जिनको अब स्टोरीज तो हमने लगा दी हैं, तो अब पता तो है ही सभी को कहाँ गए हैं क्या सीन है, तो उसका रिजल्ट तो आपको इस वीडियो में पता चलने ही वाला है। और अब यहाँ से निकल रहे हैं वापस, अब बैच 2 की रेस लगी है, तो उसमें होप करते हैं कि मुकुल से ज़्यादा फास्ट कोई होना है वैसे तो होगा नहीं क्योंकि ये सेकंड स्पॉट पे, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं हम वापस, तो अभी देखते हैं कि कहाँ जाएंगे, थोड़ा लंच वगैरह करेंगे और रूट अभी डिसाइड नहीं किया कि किस साइड जाने वाले हैं, तो बने रहे आप वीडियो में और देखिए अब कि क्या होने वाला है। सो गाइस ये देखिए आप मौसम, बिल्कुल बारिश हो रखी है यहाँ पे, पूरा रोड गीला और हम निकले हुए वापस, अभी चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं, तो आज शायद वहीं पे स्टे होने वाला है और होने वाली है पार्टी, पार्टी एनिमल्स बनेंगे आज, और ये देखिए किंग ऑफ एनिमल्स और ये पीपल कॉल मी साइको राइडर, तो अभी जा रहे हैं चंडीगढ़ और आज वहीं पे स्टे करेंगे, थोड़ी पार्टी वार्टी करते हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी अब मुझे लगता है, तो वीडियो को कर रहा हूँ मैं यहीं पे एंड, और इससे आगे अब ब्लॉगिंग व्लॉगिंग तो क्या ही करूँगा, चंडीगढ़ जा रहा हूँ तो आज थोड़ा फन करेंगे, कल वापस जाएंगे सलाह, तो देखते हैं कुछ भी क्या होता है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, और तब वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, तो तब तक के लिए करते हैं बाय, और सभी बाय कर दो भाई, और चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट, और कैसा लगा आपको हमारा एक्सपीरियंस देख के, हमें तो बहुत खुशी हुई, आप लोगों को भी थोड़ा प्राउड होना चाहिए क्योंकि हिमाचल से सिरमौर से हमारा एटलीस्ट एक राइडर तो सिलेक्ट हुआ है, मतलब और भी हुए हैं सिर्फ नाहन से, लेकिन ये हमारे ग्रुप से मतलब जो हम 29 जो डेट थी उससे जो ग्रुप हुए हैं उसके टॉप 5 में सिरमौर से एक बंदा आया है, और हिमाचल से मुझे तो नहीं लगता कि कोई और सिलेक्ट हुआ है, कोई होगा तो मुझे करेक्ट कर सकता है, बाकी मुझे तो नहीं लगता कि बाकी जो हुए हैं हिमाचल से सिरमौर से ही हुए हैं, और अभी तक शायद 3 हैं, तो लेट्स सी कि आगे तक क्या रहता है, चेन्नई में क्या रहता है, अब चेन्नई के लिए कब इन्विटेशन आता है इसको, तो मिलते हैं आपसे कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अरे यार हम बात में ही रह गए टैग के लिए, मैं बच गया भाई।